लगाने वाली चिड़िया। ये कहानी एक खूबसूरत से जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक गरीब हनी नामक चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ सिमी चिड़िया के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। सिमी चिड़िया की केवल एक ही संतान थी। कई समय पहले ही सिमी चिड़िया के पति का निधन हो गया था। तब से लेकर अब तक हनी चिड़िया अकेले ही अपनी बूढ़ी माँ की परवरिश करने लगी, अपनी माँ की सेवा करने लगी। परिवार में और कोई न होने की वजह से हनी चिड़िया ने अपनी माँ की वजह से अब तक ब्याह नहीं किया। हनी चिड़िया अन्य पक्षियों को मेहंदी लगाने का कार्य करती थी और उससे जो पैसे उसे मिलते थे उसी से अपनी माँ और अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, हनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठे अपनी माँ सिमी चिड़िया से बातें कर रही थी। अरे बिटिया हनी, मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई है, तुम मेरी दवाइयाँ ले आओ ना। अरे माँ की तो दवाइयाँ खत्म हो गई है, अब मैं दवाइयाँ कैसे लाऊं? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। अगर माँ को ये बात पता चली कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वे मुझे दवाइयाँ लाने से मना कर देंगी, और अगर माँ की दवाइयाँ नहीं मिली तो माँ की और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? अरे क्या हुआ बिटिया, तुम खामोश क्यों हो गई हो? तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं माँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं कुछ और सोच रही थी। अच्छा आप यहीं बैठे रहिए, मैं आपकी दवाइयाँ ले आती हूँ। अपनी माँ से झूठ कहकर हनी चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ, मैंने माँ से तो झूठ कह दिया कि मैं उनकी दवाइयाँ लाने जा रही हूँ, पर अब मैं कहाँ से लाऊं दवाइयाँ? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। अगर कोई मेहंदी लगाने वाली पक्षी मिल जाती तो उन पैसों से मैं माँ की दवाइयाँ की व्यवस्था कर लेती। हनी चिड़िया इधर उधर जंगल में घूमने लगती है। सारा दिन घूमने के बाद पैसों की व्यवस्था नहीं होती है। इधर घोंसले में हनी चिड़िया की माँ सिमी चिड़िया अपनी बेटी की आने की राह देख रही थी। हनी चिड़िया उदास होकर वापस अपने घोंसले में लौटने लगती है। तभी एक कोयल हनी चिड़िया को आवाज लगाती है। अरे चिड़िया बहन, अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गई, मैं अभी आप ही के घोंसले में जा रही थी। क्यों कोयल बहन, आपको मुझसे क्या काम है? चिड़िया बहन, मैं कल एक तोती बहन की विवाह में जा रही हूँ पास वाले जंगल में, इसलिए मुझे आपसे अभी मेहंदी लगवानी है ताकि कल पूरे पक्षियों के बीच केवल मैं ही सबसे सुंदर पक्षी दिखाई दूँ। क्या आप मुझे अभी बढ़िया सी मेहंदी लगा सकती हो? मैं आपको उसके बदले कई सारे पैसे भी दूंगी। अरे वाह, चलो ये तो अच्छा हुआ, अब मैं माँ की दवाई ला सकती हूँ। हाँ हाँ कोयल बहन, मैं अभी आपको बढ़िया सी मेहंदी लगा देती हूँ, चलिए आप मेरे साथ मेरे घोंसले में चलिए। हनी चिड़िया कोयल को अपने साथ लेकर अपने घोंसले में आती है। वहाँ सिमी चिड़िया काफी समय से अपनी दवाइयाँ और अपनी बेटी की राह देख रही थी। अरे बिटिया तुम कहाँ रह गई थी, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ, मुझे दवाई लेने में बहुत समय हो गया है, तुमने दवाई लाई है ना मेरी? अरे माँ ये कोयल बहन है, इन्हें कल सवेरे अपने एक रिश्तेदार पक्षी के ब्याह में जाना है, इन्हें तुरंत अभी मुझसे मेहंदी लगवानी है, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ घोंसले में लाई हूँ। इन्हें पहले मैं मेहंदी लगा देती हूँ, फिर आपकी दवाइयाँ ले आऊंगी। अच्छा बिटिया ठीक है, तुम पहले इन्हें मेहंदी लगा दो। अपनी माँ से बहाने बनाकर हनी चिड़िया फटाफट कोयल को मेहंदी लगाने लगती है। थोड़े समय बाद हनी चिड़िया कोयल को बढ़िया सी मेहंदी लगा देती है। चलो मेहंदी तो पूरी हो गई, अब कोयल बहन जो पैसे मुझे देंगी मैं उन पैसों से तुरंत माँ की दवाई ले आऊंगी। अरे वाह चिड़िया बहन, आपने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है मुझे, अब देखना कल तोती बहन के विवाह में मैं ही सबसे सुंदर दिखूंगी। कोयल बहन आप हो ही इतने सुंदर, और इस मेहंदी के बाद तो आप और भी सुंदर लग रही हो। अच्छा चिड़िया बहन, कितने पैसे हुए आपके? कोयल बहन केवल 200 रुपए हुए हैं। कोयल अपने परों से अपने पैसों का पर्स बाहर निकालती है, पर उस पर्स में एक पैसा भी नहीं था। अरे मैं तो अपने पैसे घोंसले में ही छोड़ाई। अरे चिड़िया बहन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, जल्दी जल्दी में मैं अपने पैसे घोंसले में ही भूल आई हूँ, मैं कल सवेरे विवाह में जाने से पहले पहले ही आपके पैसे दे जाऊंगी, चलेगा ना? क्योंकि अभी तो रात भी हो गई है और मैं अपने घोंसले में कब जाकर आऊंगी। कोई बात नहीं कोयल बिटिया, तुम कल सवेरे पैसे दे देना। अरे माँ ये क्या कह दिया आपने, अरे अब मैं माँ की दवाइयाँ कैसे लाऊंगी? मुझे लगा था कोयल बहन मुझे जो पैसे देंगी तो मैं माँ की दवाइयाँ ले आऊंगी उनसे, अब मैं क्या करूँ? कोयल वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में चली जाती है। एक काम करती हूँ, माँ को सवेरे तक कैसे भी बहाना बना देती हूँ। अरे माँ अब तो रात भी हो गई है और अंधेरा भी बहुत हो गया है, मैं कल आपकी दवाई ले आऊंगी, आज बहुत थक भी गई हूँ मैं। अच्छा बिटिया ठीक है, तुम आराम करो,
सिमी चिड़िया घोंसले में सो जाती है। इधर हनी चिड़िया अपनी माँ की दवाई लाने के बारे में सोच रही थी। देखते ही देखते रात गुजर जाती है। अगले दिन सवेरे, अरे ये कोयल बहन अब तक पैसे लेकर आई क्यों नहीं? मुझे कैसे भी करके आज के आज ही माँ की दवाइयाँ लानी होंगी, वरना माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। अरे हनी बिटिया, अब तुम तुरंत मेरी दवाई ले आओ, मेरी तबीयत अब बिगड़ने लगी है, मैंने कल से दवाई ही नहीं ली। मैं एक काम करती हूँ, कोयल बहन की घोंसले में ही चली जाती हूँ और वहीं से उनसे पैसे लेकर माँ की दवाइयाँ ले आती हूँ। माँ मैं अभी ले आती हूँ आपकी दवाइयाँ। हनी चिड़िया तेजी से उड़कर कोयल के घोंसले में जाती है, पर वहाँ कोयल नहीं थी। ये देखकर हनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। अरे ये कोयल बहन कहाँ चली गई? अरे अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो माँ की दवाई नहीं आ पाएगी, अब मैं क्या करूँ? कहीं कोयल बहन चली तो नहीं गई विवाह में? हनी चिड़िया पास वाले कालू कौवे से पूछती है। अरे चिड़िया बहन, वो कोयल बहन तो सवेरे ही पास वाले जंगल में चली गई, उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, अब वो 4-5 दिन बाद ही लौट कर आएंगी। अरे बाप रे, 4-5 दिन बाद लौट कर आएंगी, अब मैं माँ की दवाइयाँ कैसे लाऊंगी? हनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से उड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और चारों कतार रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ, कैसे माँ की दवाई ले आऊँ? अगर माँ को आज भी दवाई नहीं मिली तो माँ की तबीयत सच में बहुत खराब हो जाएगी। हे भगवान, मुझ गरीब पक्षी की सहायता कर, कैसे भी करके मेरे पास पैसों की व्यवस्था हो जाए ताकि मैं माँ की दवाई ला सकूँ। हनी चिड़िया ये सब कहकर जारों कतार रोने लगती है। वहीं पास में एक समर तोता एक डाली पर बैठा हुआ था और वो हनी चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। समर तोता वही पक्षी था जिससे हनी चिड़िया अपनी माँ की दवाई लाती थी। थोड़े समय बाद हनी चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है, तभी उसके पीछे समर तोता हनी चिड़िया की माँ की सारी दवाइयाँ लेकर हनी चिड़िया के घोंसले में आता है। अरे चिड़िया बहन कहाँ हो? चिड़िया बहन, समर तोता की आवाज़ सुनकर हनी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है। अरे तोते भाई आप यहाँ? ये लीजिए आपकी माँ की दवाइयाँ। जब आप उस पेड़ पे बैठ के रो रही थी कि बिना पैसे की अपनी माँ की दवाई कहाँ से लाओगी, तो मैं पास में बैठ के आपकी बातें सुन रहा था, इसलिए मैं आपकी माँ के लिए दवाइयाँ ले आया हूँ। ये लो दवाई और अपनी माँ को दवाई दे दो। तोते भाई मेरे पास इन दवाइयों के पैसे नहीं है। चिड़िया बहन ये दवाई आप रखिए, आपके पास जब पैसे आएंगे तब मुझे पैसे लौटा देना। अच्छा मैं चलता हूँ। ये कहकर समर तोता वहाँ से चला जाता है। हनी चिड़िया तुरंत अपनी माँ को दवाइयाँ देती है। अब जाकर सिमी चिड़िया की तबीयत में सुधार आया था और हनी चिड़िया की चिंता दूर हो गई थी।